फ्रेंड्स, अब एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ लॉग एपेक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस एपेक्स अपॉन एपेक्स, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, लॉग एपेक्स का। तो हम यहाँ वो अपन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है ये इसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा log f x plus h minus fx, fx क्या है अपना log fx, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ log m अपॉन n वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा f x plus h अपॉन fx। अब देखिए हमें क्या लाना है कि 1 प्लस ये लाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं। आप जानते हैं कि ई शिफ्ट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था ई एफ एक्स, एफ एक्स का शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एफ एक्स प्लस एच है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ एक्स लिख सकता हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ये चाहिए। तो आप जानते हैं कि ई, एक रिलेशन बताया था, ई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हम ई की जगह मैं क्या लिखता हूँ, आप लिख दीजिए 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब देखिए 1 क्या है, सेपरेट है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद लॉग एफ एक्स से एफ एक्स लिया, तो 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये हमारा क्या बन गया, राइट हैंड साइड बन गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, हमें क्या यूज करना है, एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करना और एक अपने शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना, और फिर एक रिलेशन है शिफ्ट ऑपरेटर और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का वो यहाँ यूज किया। फिर ये देख रहे 1 प्लस है, तो आप क्या करो, पहले एफ एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर एफ एक्स से इसको डिवाइड करो, तो हमारा ये राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। इस प्रकार ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन मेरी सिटी में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। थैंक यू।